हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज मैं आप सबके साथ अपने प्यारे स्टूडेंट्स के साथ कैलकुलेशन ट्रिक जो मैंने पिछली डेटा इंटरप्रिटेशन की वीडियो में यूज़ की थी वो मैं शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप जल्दी से जल्दी जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर सकें। पिछली वीडियो पर मैंने एक दो तरीके से कैलकुलेशन करी थी जो मैंने माइंड में ही मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर ली थी। ये मुझे कोई फार्मूला नहीं याद या मैं कोई मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा जीनियस नहीं हूँ, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। एक ये चीज़ आई थिंक आप सबको बतानी बहुत ज़रूरी है कि मुझे खुद से कुछ ज़्यादा फार्मूलेज याद नहीं होते और अप टू एक लिमिट से ज़्यादा टेबल्स वगैरह। बचपन से मुझे थोड़ा मेमोरी का इशू है कि मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है, तो मैं लॉजिक के साथ सारे क्वेश्चन करता हूँ। तो आज मैं वैसा ही एक लॉजिक आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप जो कैलकुलेशन है उसे तेज़ी से कर सकें ताकि डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट को आप 4-5 मिनट 6 मिनट के अंदर अंदर निपटा दें। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेल आइकन अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो बेल आइकन है उसे दबवा लें। तो चलिए सबसे पहले ये करते हैं। मान लीजिए डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है 4512 मल्टीप्लाइड बाय 742 डिवाइडेड बाय 702। पिछली वीडियो में मैंने जब आपके साथ ये शेयर किया था तो मैंने जल्दबाजी में आप कह लीजिए अभी 4-5 सेकंड में तेज़ी से सॉल्व कर दिया था, तो ज़्यादा में भी आधे घंटे की वीडियो वैसे भी हो चुकी थी तो जल्दी जल्दी में जितना मैंने अपनी स्पीड के हिसाब से कर दिया, लेकिन मुझे स्लो करना चाहिए था। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अभी 4512 मल्टीप्लाइड बाय 742 डिवाइडेड बाय 702, अगर तो आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तब तो 45 को 12 को पहले 742 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 702 से डिवाइड करना पड़ेगा। इतनी कैलकुलेशन करने में आपको शायद 4-5 मिनट लग जाएं, शायद अगर आप इसको 702 को 700 मान लेते हैं तो शायद आपका फिर भी टाइम काफ़ी लग जाएगा। और मतलब इसके करने के तरीके अलग अलग हैं, अप्रॉक्सीमेशन करने के या तकरीबन जो मैं कहता हूँ आंसर ढूंढने में, ये मेरा बहुत फेवरेट वर्ड है तकरीबन। यहाँ पे आप 742 को अगर 750 भी लोगे तो थोड़ा सा आपका अप्रॉक्सीमेशन का एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगा, 95% की जगह आप 90% पे सीधा सीधा आ जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। 702 को 700 लेंगे तो भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो एक मेरा सिंपल तरीका है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर ये 742 से 702 का जो डिफरेंस है ये आप देखिए कितना है, तकरीबन 40 है, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखिए 40 है। मेरा गोल क्या है, मेरा गोल ये है कि 4512 मल्टीप्लाइड बाय 1 point something यहाँ पे एक वैल्यू निकलेगी, 1.02 या 1. यहाँ पे मैं दूर दूर से अगर मोटा मोटा देखूँ तो मुझे यहाँ से ऐसे लगता है कि 6% ज़्यादा है, 4512 से आंसर मेरा 6% ज़्यादा है अगर मैं मोटा मोटा देखूं। ये मुझे एस्टिमेशन कहाँ से मिलता है ये मैं आपको बताता हूँ। 742 में से मैं 702 माइनस करता हूँ तो मेरा निकलता है 40। अभी 702 मान लें, 700 ही पकड़ लें इसको, 700 पकड़ लें, 700 का 1% जो है वो कितना होगा, 700 का 1% होगा 7, 700 का 1% 7 होगा, 10% 70 होगा, 100% 700 होगा। 1% अगर 7 है और मुझे 40 तक पहुंचना है तो तकरीबन अगर मैं 6% देखूं तो तकरीबन मेरा निकलता है ये 42, लेकिन मैं थोड़े सा आगे चले गया। ये चीज़ को थोड़ा सा हमने ध्यान देना है कि मेरा जो एस्टिमेटेड आंसर है ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं आगे जा रहा हूँ, 106% नहीं है ये, तकरीबन 5-6% के बीच में मेरा आंसर है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप तकरीबन आपका एस्टिमेशन 6% आपने निकाल लिया और वहाँ पे एक ऑप्शन है कि 5% पे है, एक ऑप्शन 7% पे है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैं आंसर किस पे टिक लगाऊं। आप बीच में खड़े हो गए, दो ऑप्शन है, SBI के पेपर में से हुआ था, तो आप क्या करेंगे। तो अगर आपको यहीं पर पता है कि यार मेरा आंसर 5-6% के बीच में है, अगर कोई 7% वाला निकल के आता है तो आप उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, टिक नहीं करके आएंगे। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर मेरा आंसर 5-6% के बीच बीच में है तो अगर ये मेरा निकलता है 4512 से आंसर मेरा 6% ऊपर है, और अब 4512 का अब मैं 6% कैसे निकालूंगा। यहाँ पे पॉइंट देखिए, 4512 का 6% सिंपली मैं क्या करूँगा,
1512 का 1% मेरे हिसाब से बनता है जी 45, 2% बनता है मेरा 90। सीधा यहाँ से मेरा आंसर बिल्कुल सिंपली हो गया, तो 6% तकरीबन मेरा बनता है जी 270, 9 या 27 राइट। अभी यहाँ पे 4512 में मुझे 270 ऐड करना है, 2 + 8 = 4782। इससे जो मेरा आंसर है ये थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि 5 से 6% मैं पकड़ के चला था, लेकिन मैंने यहाँ पे 6% के हिसाब से आंसर निकाला है, इसलिए मेरा थोड़ा सा आंसर जो है थोड़ा सा आगे चला जाएगा। एग्जैक्टली इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड, मैं एग्जैक्टली आपको आंसर बताता हूँ। इसका एग्जैक्ट आंसर 64769 है। तो ये देखिए, ये मैंने 4782 आंसर निकाला था और मुझे पता था कि मेरा ये जो आंसर है ये एग्जैक्ट आंसर से थोड़ा ऊपर जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे कुछ होती 4600 4769 4, आप कह लीजिए 8 1 3 4 9 0, ऐसी कुछ ऑप्शन होती तो ऑब्वियसली मेरे पास 4782 मेरा आंसर है, और मैं इन दोनों के बीच में आके खड़ा हो गया हूँ, दोनों पास पास हैं, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरा आंसर 4782 से थोड़ा नीचे है, तो मैं ऑब्वियसली इसे टिक करके आता ना कि इसे। तो अप्रॉक्सीमेशन में ये एक चीज ध्यान देने वाली है, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, तो ये गलती आपने नहीं करनी है, प्रैक्टिस कीजिए इसे। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 3142 को मैंने मल्टीप्लाई किया 675 और इसको डिवाइड करना है 574 से। ऐसे क्वेश्चंस बार बार डेटा इंटरप्रिटेशन में आते हैं, ऐसी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, तो आप इसको अभी कैसे करोगे? 3142, अभी वही वाला सीन करते हैं हम दोबारा से, एक ही जो लॉजिक है उस पे ही कॉन्सेंट्रेट करें, लॉजिक अपना बार बार चेंज ना करें। 574 और 675 में डिफरेंस कितना है? 101। बार बार ये हांसल वाले, और मैं आपको स्टेप के लिए स्टेप मार्किंग की तरह बता रहा हूं, लेकिन ऐसे आपने नहीं करना है। 675 में से 574 गए और 101 आ गया। ये मैं आपको स्टेप समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको ये स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, माइंड गेम खेलनी है आपने पूरी, कि आपको पता होना चाहिए ठीक है 675 तक मुझे 101 है यहाँ पे। अभी 574 का 10% जो है, इसका 10% है, ये आपका बन जाता है जी तकरीबन 557 ठीक है। लेकिन अभी भी आप 43 और कह लीजिए 44 नंबर दूर हैं अपने जो एग्जैक्ट आंसर से। अगर आप 20% पकड़ेंगे तो काफी दूर चले जाएंगे, 13-14 नंबर दूर चले जाएंगे, इतना दूर तो हमें नहीं जाना है। तो यहां पे आप देखें, अगर आप इसका 5% देखें, 5% तकरीबन हाफ होगा, 25 और 3 कह लें, एग्जैक्ट आंसर मैं ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, 28 आ गया। अभी भी आप थोड़ा सा दूर हैं, अभी भी आप देखें 7 और 7 14 1 15, 7 और 1 8 85 तक पहुंचे हैं, अभी भी आप थोड़ा सा दूर ही हैं, आप 16 मार्क थोड़ा दूर चल रहे हैं। अगर 16 मार्क दूर हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 5.74 इसका आप कह लीजिए कि मैं इसका 3% देख लीजिए, तकरीबन तकरीबन आपका एग्जैक्टली 16% ये बन जाएगा। चलिए तो मेरे पास तकरीबन आ गया जी 18%, 18% जो है ये ज़्यादा है, ये आपने परसेंट ज़्यादा निकालना है, माइंड गेम खेलनी है सारी, आपको माइंड में पता होना चाहिए। 57 तो जी आपका डिफरेंस 101 आ गया, चलिए 101 डिफरेंस आ गया, इसका 10% 57 है, 5% 28 है, फिर भी 85 थोड़ा सा बचता है, अभी 2-3% होगा, चलिए 18% है, थोड़ा सा 1-2% ऊपर नीचे भी चले जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। 3142, अभी ये देखिए ये कितना सिंपल हो चुका है, अभी सिर्फ इसको 18% मुझे ऊपर लेकर जाना है, 3142 का 18% ऊपर लेकर जाना है बस। सीधा सीधी सी बात है, 3142 इसका 10% देख लें कितना हो जाएगा, 10% इसका कितना हो जाएगा, इसका 10% मेरे पास आ जाएगा 314। एग्जैक्टली नहीं निकाल रहा हूँ, पॉइंटों तक मैं नहीं पहुंच रहा हूँ, 10% मेरे पास आ चुका है। इसके बाद इवन अगर मैं 20% भी पकड़ के देख लूँ, 18% तक आने के लिए 20% पकड़ लूँ, तो मेरा बन जाएगा जी 628। इस पे से मैं अभी 2 से 2.5%, अभी मेरे को माइनस करना है, 2-2.5% कम जाएगा, 17.5% था ये, 2% इसका कितना होगा, 31
31.5 तो आपका 62-63 बन जाएगा। अभी ये ध्यान दीजिए, 6628 में से 63 आपको माइनस करना है, 5 यहाँ पे आ गया, 62 में से 6 आपने माइनस कर देना है, आपका आ गया 565। आप 3142 में 565 जो है वो ऐड कर दें, 7 6 4 10 6 7, और 3707 हमारा जो है, 3707, एक सेकेंड, 20%, 3707 ये अपना एक तकरीबन तकरीबन आंसर आ चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 8690 है यहाँ पे, 732 से मल्टीप्लाई किया, 653 से डिवाइड करना है। तो अभी फिर से वही करूँगा मैं, इसका और इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लूँगा। सीधी सीधी बात है, 47 इधर है और 32 उधर है, तो आपका तकरीबन बनता है 79 आई थिंक, 47 और 32 इन दोनों में है 79 का डिफरेंस। और अब ये डिफरेंस कैसे पूरा होगा, सबसे पहले तो 653 का 10% जो है वो तो सबसे पहले मैं ले ही लेता हूँ, 10% 65 तो आ ही जाएगा। उसके बाद अब देखिए कितना डिफरेंस रह गया है, 14 का डिफरेंस रह गया है तकरीबन, तो 6.5 का 1% बनता है, तो 2% आप कह लीजिए आपका बन जाएगा 13। तो मेरा यहाँ पे 78 आ चुका है, तो मैं 78 तक पहुँचाऊँ फिर भी थोड़ा सा मेरा नंबर, अभी मेरा आंसर जो निकलेगा वो थोड़ा सा आप कह लीजिए कम निकलेगा, जितना एक्चुअल आंसर है उससे जो मेरा आंसर निकलेगा वो थोड़ा सा कम निकलेगा। या तो आप यहाँ पे 12% का कर लें, या आप थोड़ा और जाना चाहते हैं 12.33%, यहाँ से लेके 12 से लेके 12.33% है ये मेरे माइंड में चलेगा, 12 से यार 12.5 तक परसेंट तक ये इसका ऊपर है ये नंबर। 8690 तकरीबन तकरीबन 12 से 12.5% के बीच बीच में इससे ऊपर होगा जो मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे सीधा मैं क्या करूँगा, अभी 8690 का भी 10% मैं पकड़ लूँगा, 869। उसके बाद 10% आ गया, इसके दो, इसका 2% मेरे को निकालना है, तो 87 का को 2 से मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दूंगा। एग्जैक्टली मैं निकालने की कोशिश नहीं करता, 160 प्लस 14, मैं वही बता रहा हूँ, मुझे भी 87 का टेबल याद नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि आपकी जो ये टेक्निक आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, बहुत आसान है ये। 8 4 13 7 7 14, जैसे आप कर सकते हैं वैसे मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ मैथ्स का जीनियस नहीं हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, एक सिंपल सा लॉजिक है, मैंने कुछ इन्वेंट नहीं करा है। जो टॉपर्स हैं, मैं मुझे भी ये किसी ने थोड़ा सा सिखाया था और आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। और ये देखिए 86 ये वाला पकड़ के मैंने अभी नीचे ले आया हूँ, 8690 तकरीबन तकरीबन आंसर निकाल रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि पेपर में भी एग्जैक्ट निकालना पॉसिबल जो है नहीं होता है। मेरा 9733 आंसर आ चुका है और ये मेरे 12% के हिसाब से आया है, जबकि मैंने सोचा 12% के, जबकि जो आंसर है ये तकरीबन तकरीबन जो है 12 से लेके 12.5% के बीच बीच होना चाहिए था। दैट मीन्स जो मेरा आंसर है 9733 से बड़ा होगा, क्योंकि 12 से 12.33% के बीच था। इसलिए अगर ऑप्शंस आएंगी, ऐसे मेरे पास ऐसी ऑप्शंस आती हैं जी, 9100 आंसर है, बी मेरे पास ऑप्शन थी जी ऐसे 9670 ऑप्शन है, सी मेरे पास ऐसी ऑप्शन आ जाए जी 9750 ऑप्शन है, डी आ जाए मेरे पास 9800 ऑप्शन है, तो मुझे पता है कि मेरा आंसर 9733 से स्लाइटली ऊपर है। अप्रॉक्सीमेशन ऐसे ही यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे 9750 को एग्जैक्टली पिटिक करके आ जाता एग्जैक्टली जो इसका कैलकुलेशन का नंबर है मेरे पास अवेलेबल है 9741, 9741 जो है एग्जैक्ट आंसर है, ये मैंने थोड़ी देर पहले अभी कैलकुलेट करा है। तो इस टेक्निक को समझिए, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ये, इजी वे में मैं कर रहा हूं, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा मैं, कुछ ऐसे अजीब से फॉर्मूलाज नहीं है, ये सिंपल लॉजिक है। नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर माइनस कर दिया, अगर ऊपर वाला कम भी है तो भी आपने डिफरेंस फाइंड करना है, तो आप नीचे को जाएंगे, तो ये 1.12 की जगह 0.9 भी हो सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो घबराना नहीं है आपने।
आगे चलते हैं। अभी ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे आपको देखने को मिलते हैं एनटीआई में, डिफिकल्ट जो सेट्स होते हैं उसमें ये होते हैं 7572 मल्टीप्लाइड बाय 321 डिवाइडेड बाय 220। डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस सीधा 101 आ गया। 101 तक पहुंचने के लिए अभी आपको धीरे धीरे आसान लगने लग गया होगा, पहले क्वेश्चन में समझ नहीं आया होगा, दूसरे में थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, तीसरे में थोड़ा आइडिया आएगा, चौथे में आपको लगेगा कि आपको आ गया है, लेकिन नहीं आया आपको। आप 10-12 क्वेश्चन जब तक ट्राई नहीं करेंगे ये वाले मेथड से, तब तक आपका वो बेस स्ट्रांग नहीं होगा, आपको ट्राई करना है। इसके बाद अभी 321 में से 220 निकल गया, अभी 220 का अगर मैं सीधा 10% भी पकड़ के चलूं तो भी ये सिर्फ 22 बनता है, तो फिर भी अभी भी मैं बहुत बहुत दूर हूं। तो अगर मैं कहूं कि 40%, ये फिर भी अभी भी 88 है, अभी मैं 13 अंक नंबर थोड़ा सा दूर हूं, 13 नंबर में दूर हूं। अभी मैं देखूं कि तकरीबन 2.2 इसका 1% बनता है, तो 13 कितना का बनेगा, तकरीबन तकरीबन अगर मैं 6% लेकर चलूं, 6% तो फिर भी आपका बन जाएगा 13, 13.5 का, तो फिर आप एग्जैक्टली आसपास आ गए हैं। तो आप कह लीजिए कि 46% जो है ये नंबर 321-220 से 46% बड़ा है, यही आपको देखना है। 7572 1.46, ये माइंड में सारी कैलकुलेशन माइंड में होगी। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि यार ये तो ये क्या कर रहे हैं, ये तो दूर दूर से क्वेश्चन करी जा रहे हैं, दूर से ही करने हैं आपको, एग्जैक्ट आंसर टिक करने के नंबर मिल रहे हैं आपको, स्टेप मार्किंग के नंबर नहीं मिल रहे हैं। ये जो आप सब कर रहे हैं ये CBSE ने चेक नहीं करना है, आपके स्टेट बोर्ड ने चेक नहीं करना है, ये कंप्यूटर ने चेक करना है। सो कंप्यूटर को नहीं पता कि आपने कैसे सॉल्व किया, आपने तो ऑप्शन टिक करके आ गए ना आप, तो बस 7572 इसका 46% ऊपर कैसे लेकर जाएंगे। ऑब्वियसली इसका 10% जो है 7572 का, सीधी सी बात है दिमाग में इतना तो आपके अभी भी चल रहा होगा कि इसका 10% जो है 757 है। चलिए अभी 46% तक जाना है तो मैं इसका हाफ लेकर चलूंगा, मैं इसका क्या करूंगा, पहले 50% पकड़ लूंगा, उसमें से 4% माइनस कर दूंगा, ज्यादा सिंपल रहेगा। अभी 7572 का एग्जैक्टली अगर मैं हाफ देखूं तो मेरे पास बनता है इसका हाफ 3775। अगर 7572 का हाफ जो है 3775 बनता है, इसका अगर 4% अगर मेरे को माइनस करना पड़े, इसका 4% कितना पड़ेगा बनेगा, 76 बनता है, तो 4% कितना बनेगा, 75 का डबल 150, 150 का डबल 300, आसान, इससे ज्यादा आसान क्या होगा। तो ये आपका 40% निकल चुका है, ये माइनस कर दिया था मैंने, ये 40% आ गया, इसको 7500 मेन जो नंबर था उसमें आप ऐड अप कर दें, 7, 7, 7, 14, 10, 7, 10 और 11, 1147 जो है वो मेरा तकरीबन जो है मेरा आंसर आ चुका है। अभी यहाँ पे ऊपर नीचे का, तो यहाँ पे देखिए क्या सवाल बनता है, बहुत आसपास होगा अगर मैं इसका एग्जैक्ट आंसर देखूँ तो, ये अभी मैं एग्जैक्ट देख रहा हूँ, बाय प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने ये अभी अभी निकाला है, ये जो मेरा मेरे सामने पेपर पड़ा है ये मेरे एक असिस्टेंट है, इन्होंने मुझे निकाल के अभी दिया है। सुबह से मैंने एक पहले भी एक वीडियो बनाई थी कौन सी KVB पे जो रिक्रूटमेंट हुई थी, एंड देन आर्टिकल्स, आपकी फ़ोन कॉल्स, आप कमेंट्स बहुत करते हैं, आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई मैं खुद से करता हूँ, ये मेरी गारंटी है आपको। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो 11048 है, ये तो बहुत पास चले गए हम, 98-99% एक्यूरेसी पे आ गए। आप जब स्टार्ट करेंगे ना, अभी आप ये वाली टेक्निक स्टार्ट करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन एस्टिमेशन की मैं बहुत सारी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूँगा, ये तो सिर्फ स्टेप वन है, आपको काफ़ी आगे तक जाना है। तो स्टार्ट करेंगे तो आपके आंसर 90-95% एक्यूरेसी तक जाएंगे, इतनी एक्यूरेसी तक आपके आंसर नहीं आएंगे। थोड़ा सा कहना आपको लग रहा है इजी है, लेकिन ये एक स्किल है जो आप टाइम के साथ आपका बिल्ड होता है, ऐसे डे वन पे नहीं आपका होगा। फिर भी निराश ना होए, ये ना सोचें कि यार ये तो होगा ही नहीं, ये तो टेक्निक बकवास है, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो इस टेक्निक को रेगुलरली फॉलो करें। और अभी एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 40,500 321 / 301, 20 का डिफरेंस है, बहुत आसान लग रहा होगा अभी आपको।
320 का, 20 का डिफरेंस है सिंपल, 301। इसका अभी मैं 10% तो नहीं पकड़ूंगा, इसका 1% मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, 3, थोड़ा सा मैं आसपास चले गया हूँ, 3 इसका 1% है। इसका अगर मैं 7% देखूँ, 301 का 7% जो है वो निकलता है 21, जबकि 307% 21 आ जाता है, और उससे मेरा जो मेरी रिक्वायरमेंट है उससे मैं एक नंबर ज़्यादा ऊपर चले जाता हूँ। तो मेरी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो है 6.5% से 7% के बीच बीच, ये जो नंबर है ये 6.5-7% ऊपर है, ये चीज़ का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली दूसरी बार समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आने लग जाएगी। 40,000 है यहाँ पे, 40,500, मैं वही कह रहा हूँ, मेरी मेमोरी बहुत वीक है, आप लोगों से ज़्यादा वीक है, टेंशन मत ले। तो यहाँ पे 6.5% का करने बैठेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं 7% के हिसाब से करता हूँ। अभी इसका 7% कितना होगा, 10% तो इसका हो जाएगा 4,050। अगर इसका 1% इस नंबर का मैं देखूँ तो वो बनेगा मेरा सीधा सीधा 405। अभी इसका 7% कितना बनेगा, तो सीधा सीधा मैं क्या करूँगा, 400 से 7 को मल्टीप्लाई, फिर 5 से 7 को मल्टीप्लाई, 4 7 2800 और 5 7 35, और सीधा कुछ ये मेरे माइंड में हो जाएगा, आपके भी शायद माइंड में हो जाएगा, 2835 ये नंबर ज़्यादा है, 40,500 और उसमें मुझे 2835 मुझे ऐड अप कर दें, 5 3 8 5 13, 43,335, और जो मेरा आंसर होगा ये मैंने 7% के हिसाब से निकाला है, लेकिन जो मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा ये मैं आपको चेक करके बताता हूँ। मेरा एग्जैक्ट जो आंसर है वो है, ये मुझे लिख के नहीं दिया गया है, आई डोंट नो वाई, मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन मेरा जो एग्जैक्ट आंसर है वो थोड़ा छोटा होगा। मैं अभी, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं अभी आपके सामने थोड़ा सा मैं निकाल देता हूँ, ये मेरा एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा, ये 40,500 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 321 डिवाइड 301, तो मेरा जो एग्जैक्ट आंसर है ये है 43,191। ये आप ध्यान से देखिए, अभी बड़ा नंबर है तो इसका 1% का डिफरेंस भी आपको लगेगा जी कितना बड़ा हो गया। अभी ये 40,500 है, इसका 1% कितना है, 400। अप्रॉक्सीमेशन का ये एक ड्रॉबैक कह लीजिए कि 1% भी इसका 400 है। अगर आप 99% एक्यूरेसी, 99.5% की एक्यूरेसी से चल रहे हैं, फिर भी आपका 250 का डिफरेंस चलेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली पता था कि जो मेरा आंसर है वो 43,335 से छोटा है। अभी पेपर में अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम ऐसे सवालों में तो यही पूछा जाएगा कि यार आंसर या तो 43,000 है, ऐसा अगर मेरे साथ पूछा जाए 42,000 है, 44,000 है, या ऐसा कुछ पूछा जाए, तो मुझे एग्जैक्टली पता है, चलो ये तो मैं काफी दूर तक चले गया, तो मैं ऑब्वियसली ये 43,000 को टिक करके आऊंगा। अगर मेरे पास ये आंसर 43,500 भी होता तो भी मैं इसे टिक करता, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है कि 43,335 से मेरा आंसर छोटा है, जबकि 43,500 के ये ज्यादा करीब है, ये नंबर को आप देखिए, मैं फिर भी इसे टिक नहीं करता, ये पास में है फिर भी टिक नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है जो मैंने अप्रोक्सीमेशन आंसर निकाला है वो एग्जैक्ट आंसर से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए मेरा आंसर अप्रोक्सीमेशन के आंसर से थोड़ा छोटा होगा। ये ध्यान से देखिए ना, 6.5 से 7% के बीच बीच में से होना चाहिए था, लेकिन ये तो बड़ा हो गया ना, धीरे धीरे समझ आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये। तो चलिए आज के लिए ये ट्रिक, आप लोगों ने बहुत मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि सर ये प्लीज बना के दीजिए, हमें समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, तो आज मैं कोई चैप्टर एग्जैक्टली नहीं कर पाया, कल मैं एक प्रॉपर एक क्वांट के चैप्टर के साथ वापस आऊंगा, और जल्द ही हम रीजनिंग भी शुरू करेंगे, इंग्लिश हम साथ में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं, हर एक 2-3 दिन में एक मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, और वोकैब के लिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, सर वोकैब के लिए क्या करें, आप द हिंदू पढ़ें, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, और उसमें आपको जो जो डिफिकल्ट वर्ड मिलते हैं उसको आप डिक्शनरी में से देखें, मोबाइल में आपके इतनी, आपके पास स्मार्टफोन्स हैं उसमें आप चेक कर लें भी यार इसका मतलब ये है, कोई वोकैब की ऐसे लिस्ट याद करने से कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं होती है, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। बड़ी बड़ी 2,000-2,500 वर्ड आप याद कर लें, मैं आपको 2 महीने देता हूँ, 2-2,500 वर्ड दे देता हूँ, 2 महीने के बाद आप वापस आएंगे, आपको 100 वर्ड भी नहीं याद होंगे। अगर मैं आपको बोलूंगा अपने 2,500 वर्ड जो याद किए थे आप मेरे को सुनाएं, आप नहीं सुना पाएंगे,
ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं आज से 6-7 साल पहले तैयारी कर रहा होता था कैट की या बैंक एग्जाम्स की, मुझे भी लोग ऐसे पकड़ा देते थे, ये 2000 वर्ड याद कर लो। भाई कैसे याद कर लो यार, इंसान हूँ वो भी कम मेमोरी वाला, मैं कैसे 2-2500 वर्ड याद कर सकता हूँ? और पेपर में वो 2-2500 वर्ड्स में से कुछ आता भी नहीं है, तो ये क्या है? ये मजाक है कोई? ऐसे नहीं होता। टॉपर्स जो है, जो लोग एग्जैक्टली एग्जाम क्लियर करते हैं, वो वोकैब की लिस्ट नहीं देखते, वो एग्जैक्टली मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, वो एग्जैक्ट आंसर फाइंड नहीं करते, वो अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, और न्यूज़पेपर में से जो उन्हें लाइफ नॉर्मल लाइफ में वर्ड्स डिफिकल्ट मिलते हैं वो उनका मतलब ढूंढते हैं, तो उनके दिमाग में घुस जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ऐसे ही अपने कमेंट करते रहिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ जैसे आपने नोटिस किया होगा। एंड आप जो IBPSPU का मेगा कोर्स है GK डाइजेस्ट पे, इसको आप इनरोल कर सकते हैं। मैं डेली क्विजेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेली मैं वहाँ पे PDF, डेली मॉक टेस्ट, बहुत कुछ चल रहा है वहाँ पे, न्यूज़ फीड है, बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे प्लीज़ इनरोल कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो क्या किया है, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। अगर आप सोचते हैं कि आप नॉलेज, अगर आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है और अगर आप उसको अपने तक रख रहे हैं तो आपका फ्रेंड भी अपने तक रखेगा। ये हम इंडियंस की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम अच्छी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, लेकिन शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कॉमेंट करें, एंड अगर आप मेरे से बात भी करना चाहते हैं तो बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो ये मेरा नंबर है, कोई नंबर नहीं देता है लेकिन मैं नंबर दे रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखें, कई बार मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं ज़्यादा जो कॉल्स है वो अटेंड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हर एक कॉल 10-15 मिनट लेती है, और अगर मेरे को दिन में 50 लोग कॉल करेंगे तो कई बार नहीं पॉसिबल हो पाता। लेकिन 6 बजे से लेके 7, 7:30, 8 बजे तक ऑफिस में मैं होता हूँ, एंड ये आप नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कमेंट करें, अगर रिप्लाई नहीं मिलता या आपको कुछ सेटिस्फेक्ट्री आंसर नहीं मिलता, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपकी कुछ, तो आप ऑब्वियसली कॉल कर सकते हैं, या ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पे आप मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं, raman@bankexamstoday.com। ये मेरा नंबर है, ईमेल आईडी है, नीचे कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम पे, ठीक है? चलिए, थैंक यू।